यह है पिक्सल ओएस का लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 एल बेस्ड अपडेट मी 11X या फिर पोको F3 के ऊपर, और इसके अंदर कितने चेंजेस आपको मिलते हैं, उसके साथ ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर कैसी है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग परफॉर्मेंस स्मूथनेस और बैटरी बैकअप के लिए, तो वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हो। सबसे पहले अबाउट फोन सेक्शन के अंदर आपको एंड्रॉयड वर्जन 12 मिल जाता है, बट जो चेंजेस है ना वो 12.1 से ही अपडेटेड है। 5 अप्रैल 2022 से एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा, और जो कर्नल यहाँ पर यूज़ किया वो नो कर्नल है। उसके बाद जो बिल्ड नंबर है इसके अंदर आप चेक करोगे तो पिक्सल ओएस अलॉयथ नेम यहां पर मिल जाएगा। डिवाइस आपका सर्टिफाइड है, DRM इन्फो के अंदर वाइडबैंड L1 आपको मिलेगा, उसके साथ गूगल फोटोज के अंदर आपको स्पूफिंग भी मिल जाती है। एंड अगर आप चेक करना चाहते हो तो इसके जो गीकबेंच 5 के स्कोर्स हैं वो कुछ ऐसे आपको मिलेंगे। और एक चीज रिमाइंड करवा देता हूं, यहां पर थर्मल प्रोफाइल्स आपको मिल जाती हैं बैटरी सेक्शन के अंदर, तो मैंने उनको यूज किया एंड उसके बाद में जो स्कोर्स है वो आप चेक कर सकते हो। एंड ये आपको यहां पर जो है चार्जिंग स्पीड मिल जाती है, बट एक इशू मेरे को लगा है, अगर आप ज्यादा लंबे टाइम तक फोन को चार्ज पे लगा दोगे ना तो आपको जो है डेफिनेटली हीटिंग इश्यूज मिलेंगे, एंड उसकी वजह से आपको जो है स्लो चार्जिंग थोड़े टाइम बाद फेस करनी पड़ सकती है। तो ये एक दिक्कत मेरे को लगी है, हीटिंग इश्यूज आपको चार्जिंग के टाइम में मिल जाएंगे। 42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर गया था, जो कि आप क्लियरली यहां पर चेक करोगे। उसके बाद में अगर आप देखना चाहते हो तो जो बैटरी कंजप्शन है वो मैं बोलना चाहूंगा थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा है आपको यहां पर देखने को मिलेगा। आप देखोगे तो यहां पे 14% पर आर के आसपास मेरे को जो है एक्टिव ड्रेन मिला है, और जो आइडल ड्रेन है 0.53% पर आर के आसपास है, डीप स्लीप वर्किंग है, और ये सब बैटरी का हाल अभी हो चुका है। और रही बात यहाँ पर जो है सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ की, तो 10 मिनट तक रन किया था सेम थर्मल प्रोफाइल्स को, यहाँ पर भी मैंने एक्टिवेट किया एंड 94% तक सीपीयू थ्रॉटल होता है। मैक्सिमम GIPS है 2,52,000 के आसपास और एवरेज है 2,43,000 के आसपास। स्टॉक लॉन्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो स्टॉक लॉन्चर हमें देखने के लिए मिलता है ना वो है पिक्सल लॉन्चर, और एंड्रॉयड 12.1 के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे जो कि आप क्लियरली यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। सबसे पहले तो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की स्पीड रियली फास्ट, एंड जो रिस्पॉन्सिवनेस मिलती है ना रोम के अंदर या फिर जो स्मूथनेस मिलती है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। रोम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको मिल जाएगी, कोई लैग स्टटरिंग वगैरह आपको नहीं आने वाला। और ये जो रिफ्रेश रेट है ना ये अडेप्टिव है, सो इसके ऊपर आप जो है स्मूथनेस चेक कर सकते हो। बाकी हैप्टिक्स यहाँ पर आपको फील होंगे जो कि एंड्रॉयड 12.1 का एक पार्ट है। लेफ्ट साइड में जो गूगल कार्ड है, कोई स्क्रोलिंग के अंदर यहाँ पर भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पर जो ऑप्टिमाइजेशन है वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं स्टॉक कैमरा की तो कोई भी स्टॉक कैमरा नहीं मिलता, बट अगर आप GCam ट्राई करना चाहते हो तो मेरे पास 8.1 है अर्नोवा की ओर से। यहाँ पर जो है 4K 60 FPS वीडियोज वगैरह काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हो। और उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर चेक करवा देता हूँ, कोई भी आपको ये वाला जो ब्लैक बॉर्डर है ये आपको फिक्स्ड देखने को मिलेगा पिक्सल लॉन्चर के अंदर। एंड एक बग मेरे को और मिला था वो है यहाँ पर स्टेटस बार आइकॉन्स यहाँ पर डिसअपियर हो जाते हैं समटाइम्स, ये वाले जो आप चेक कर सकते हो। तो ये जो बग है ना वो स्टिल यहाँ पर इस रोम के अंदर प्रेजेंट है। नाउ फीचर्स की बात करेंगे जो कि आपको इस रोम के अंदर मिल जाते हैं, वैसे ज़्यादा फीचर्स रोम के अंदर नहीं इंक्लूड किए गए, जस्ट एक सिंपल पिक्सल एक्सपीरियंस का ही सेकेंड फॉर्म आप बोल सकते हो इस रोम को। सबसे पहले सिस्टम मिल जाता है यहाँ पर, अपडेटर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो OTA अपडेट्स चेक करने के लिए। देन जेस्चर्स है, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट है, सिस्टम नेविगेशन के अंदर 2 बटन 3 बटन है, और फुल स्क्रीन जेस्चर्स का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, एडवांस रीस्टार्ट। उसके बाद अगर आप चेक करोगे टैप टू स्लीप का ऑप्शन है, बाकी नीचे सिमिलर से वही ऑप्शंस आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर बात करें सिक्योरिटी की तो फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट मिल जाता है, बट ऐप लॉकर स्टिल यहाँ पर मिसिंग है। वॉलपेपर एंड स्टाइल का लुक कुछ ऐसा आपको मिलेगा, अगर आप वॉलपेपर चेंज करना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ से कर सकते हो। थीम आइकॉन वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करेंगे सो डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पर बैटरी एस्टिमेट, आइकॉन मैनेजर और कलर्स के अंदर सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। स्मूथ डिस्प्ले यानी कि 120Hz वाला ऑप्शन मिलेगा। टैप टू वेक वर्किंग है, एम्बियंट डिस्प्ले है, और एम्बियंट डिस्प्ले के अंदर ये वाले जेस्चर्स हैं, इंक्रीज टच रिस्पॉन्सिवनेस है, पर ऐप रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है जिसको आप सेटअप कर सकते हो। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आएंगे तो ये जो फीचर्स है ना वो आप चेक कर सकते हो, ये आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ में
में इन कॉल वाइब्रेशन ऑप्शंस हैं, बट जो डॉल्बी वगैरह ना वो आपका मिसिंग है। क्लियर स्पीकर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और बैटरी वाले सेक्शन के अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ बैटरी परसेंटेज, थर्मल प्रोफाइल्स और इसका जो ग्राफ है या फिर जो यूसेज है ना वो एंड्रॉयड 12.1 लेटेस्ट सभी चीज़ों से अपडेट हो चुका है। और इसका जो गेमिंग डैशबोर्ड है ना वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। आई गेस ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्किंग रहने वाला है BGMI वगैरह के अंदर भी। सो ये सब चीज़ें हैं, ओवरऑल जो फीचर्स हैं वो आपको कुछ इतने ही देखने को मिलेंगे इस रोम के अंदर। सो 90 FPS अगर आप यहाँ पर खेलना चाहते हो तो वो आपको बाय डिफॉल्ट तो रोम के अंदर नहीं मिलता, मैक्सिमम एक्सट्रीम तक जाएगा यानी कि 60 FPS आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा। बट 90 FPS मैंने इनेबल किया एंड उसके बाद में जो गेम प्ले है ना वो आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले क्या ये जो रोम है वो 90 FPS हैंडल कर सकती है या फिर नहीं, तो डेफिनेटली ये जो रोम है ना 90 FPS को काफ़ी ईजिली हैंडल कर सकती है। कोई भी आपको मेजर लैग या फिर यहाँ पर जो है फ्रेम ड्रॉप नहीं फेस करने पड़ेंगे। एंड गेमिंग के साथ में एक चीज़ मैंने और नोटिस की है वो है यहाँ पर हीटिंग, तो वो आपको यहाँ पर हीटिंग कम देखने को मिलेगी अगर आप नॉर्मली यहाँ पर यूज़ करते हो ना, जैसे कोई एडिटिंग वगैरह का काम करते हो तो उसके अंदर मेरे को थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा ही हीटिंग इशू लगा था। बट स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करने के बाद में गेमिंग 90 FPS के ऊपर करोगे ना तो जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा ना वो 42 डिग्री के आसपास होगा, जो कि मैं बोलना चाहूँगा डिसेंट है इन सब चीज़ों को अगर हम कंबाइन करके देखते हैं। सो गेमिंग के लिए डेफिनेटली ये जो रोम है ना काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल की आपको मिल जाएगी। अगर आप कंसीडर करना चाहते हो तो मैं आपको ये रोम रिकमेंड करूँगा गेमिंग के लिए भी, और स्मूथनेस और यहाँ पर 12.1 के जो भी लेटेस्ट फीचर्स अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो इसको ज़रूर से कंसीडर कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।